हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू माय ब्लॉग। दोस्तों आज हम चचिंडा बना रहे हैं। चचिंडा जो गढ़वाल में बनता है, चचिंडा हम बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसमें झुंघरा डाला हमने, मेरी मम्मी ने इसमें, और गुड़ की भेरी डाल रखी है दो। जब ये पक जाएगा ना, इसमें दही पड़ती है, ये देखिए दही में बना रहे हैं इसको हम। और जब ये बन जाएगा तो इसको खाना है, तब दूध जब खिड़ जाएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है हमारे पहाड़ में, गढ़वाल में। और ये दो हमने इसमें ये डाल रखे हैं गुड़, गुड़ की भेली। अब देखते हैं ये बनेगा, तैयार होगा तब खाना है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हम आपको ऐसे गढ़वाल के व्यंजन के बारे में भी बताएंगे और गढ़वाल भी दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब गुड़ के बाद इसका ऐसा रंग हो चुका है। बेसिकली इसमें हम डालते हैं झंगूरा और मट्ठा। अगर मट्ठा नहीं हो तो दही डाल लो, इसका ये बनता है। और जब ये पक जाएगा पानी, इसका ये दूध है जो, ये मट्ठे का पानी, ये दही का पानी, जब थोड़ा कम हो जाएगा तो इसको खाते हैं। तो गुड़ से इसका ऐसा रंग आ गया है। साथ में अगर दाल है तो और तब टेस्ट आ जाता है। इसको हम बोलते हैं चचिंडा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहाड़ी व्यंजन बहुत फेमस है, गढ़वाल में बहुत खाया जाता है सर्दियों के महीने। और ये नमकीन भी बनता है, जैसा आपको बनाना है। चाहे फीका बना लो, कुछ मत डालो और दाल के साथ खा लो, चाहे इसमें नमकीन डालो, नमक डाल लो या कुछ मसाले डाल लो, तो टेस्टी करने के लिए। वैसे हम ज़्यादातर हम तो मीठे में खाते हैं, मीठे में अच्छा होता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।